चिकू भाई ये क्या हो गया? हमने सोचा था कि हम फाइनल में मिलेंगे, लेकिन तू तो अभी से कट लिया, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा तू। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है 17-18 सालों में जो ट्रॉफी ना आई मेरे ख्यालों में, लेकिन अब तो आदत सी हो गई ऐसे जीने में, कुछ दर्द तो है मेरे सीने में। अब तुझे मस्त माहौल में जीने के लिए इंडिया वापस जाना पड़ेगा। मैं तो निकल भी गया कब का, मेरी कार हमेशा होती है तैयार। कार से याद आया, कल बेकार में ही मोइन अली फ्री हिट में आउट हो गया। मोइन अली के इस कारनामे के ऊपर मैं मौन धारण करना चाहता हूँ। होता रहता है, कभी कभी होता रहता है। ऐसा होता रहता है क्या? ऐसा कहाँ होता रहता है, ऐसा कभी नहीं होता है। फ्री हिट में भला कौन आउट होता है बबू? अरे फ्री हिट छोड़ो, मैंने जो इतने रन मारे उसका क्या फायदा हुआ, घाटा ही हुआ ना। वो नवदीप ने हमारी नैया डुबा दी। वो छोड़ो एबीसीडी भाई, आप कहाँ पे हो? वो तो हमारे ड्रेसिंग रूम में। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? एक मिनट अंबानी जी। हेलो हेलो अंबानी जी। हाँ भाई बोल। ये चापलूसी है, चापलूसी है, ये चापलूसी है। आपने हमारे एबीडी को बिना ऑप्शन से ही खरीद लिया? अरे नहीं रे, इतना अमीर नहीं हूँ मैं। तो फिर हमारा एबीडी मुंबई के ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहा है? वो तो तू खुद एबीडी से पूछ ले बबू। अरे चिंता मत करो, मैंने आरसीबी नहीं छोड़ी, बस यहाँ मेरी कोई चप्पल पहन के आ गया था, वो लेने आया था मैं। कौन है वो चप्पल चोर? वो चहल है जो एबीडी की चप्पल पहन के इधर ताक झाक करने आता है। यार ये चहल ने फिर से हलचल मचा के रखी है क्या? कल की हार से एक बात समझ में आ गई मेरे, कि कोहली को मेरी याद सता रही थी। हाँ बात तो सही है, मैंने भी यही सोचा कि धोनी भाई अकेले अकेले इंडिया में बोर हो रहे होंगे, अब उनका भी तो साथ देना पड़ेगा ना, इसलिए कल जल्दी जल्दी आउट हो गया। बबू अरे पहले बता देता, रन नहीं बना था मैं। अब जो हो गया सो हो गया, अब जो होना है वो भी होगा। अगर मैं प्लेऑफ तक पहुंचता तो कोशिश करता कि फाइनल तक पहुंचूं। वो नटराजन का यॉर्कर भारी पड़ गया। नटराजन की यॉर्कर को तो मैं कल देख लूंगा। तुम देखते रहो, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, अब जाके सुकून मिल रहा है मुझे। आज अनुष्का का बर्थडे है, विश करना पड़ेगा उसे। क्या बात कर रहे हो, मुझे तो फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। वो तो यूट्यूब पे भी नहीं आती, फिर भी लोग देखते हैं ना वीडियो। लेकिन अनुष्का का बर्थडे और मुझे नहीं मालूम, ऐसा कैसा हो सकता है? अरे अनुष्का शर्मा नहीं, अनुष्का शेट्टी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या फिरकी लेते हो आप, इतनी फिरकी मत लेते जाओ, हार्ट अटैक आता है ना। क्या भाई आप फिर से हार गए, अब मेरी शादी का क्या होगा भाई? पोपटलाल असल में तू ही हमारे हार का जिम्मेदार है, तू हमारे आरसीबी के कुंडली में ऐसा कुंडली मार के बैठा है ना, ना खुद शादी कर रहा है ना हमारी टीम जीतने दे रहा है। अरे भाई लेकिन पंडित ने तो कहा था कि आपकी आरसीबी टीम जीतेगी तब मेरी शादी होगी। तो क्या हुआ मैं तेरे शादी का हार लेके नहीं आ सका, लेकिन तुझे आईपीएल से बाहर होने वाला हार तो लेके आ गया ना, वो स्वीकार कर ले। काश मेरे कुंडली का कनेक्शन मुंबई इंडियंस के साथ होता, आज मेरी 3-4 शादी हो चुकी होती। ना मुन्ना ना, तू वही ठीक है, तू वही रहे, हमारी टीम में बता दू। डर गए शर्मा जी डर गए। पोपटलाल की शादी होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन केएल राहुल शादी करेगा अभी। क्या बात करते हो भाई, मुझे तो उसने बताया भी नहीं। तूने कौन सा उसे बताया था जो वो तुझे बताएगा? इसका मतलब अब राहुल भी करके दिखा देगा शादी। वो छोड़ो कोहली भाई, अब आप कौन सी टीम को सपोर्ट करोगे? मैं जिसे भी सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट तो इंडियन टीम को ही करूंगा ना। सही बोला मुन्ना, मुंबई इंडियंस को ही सपोर्ट करेगा तू। ये चला अपने चाचा को मत सिखा। मुन्ना लोग आप बताओ कोहली किसको सपोर्ट करेगा, और हमें 5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।